डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे? अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल का ओवरव्यू किसका बताया था मैंने आपको? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का बताया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का ओवरव्यू बताने के बाद हमने कुछ डिस्कस किया था मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट आज अपन डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में पहला तो हम कुछ रिएक्शंस पढ़ लिए थे जिसमें एल्कीन से बनाया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड हम किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन पे उन डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, हम इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। जिसमें ये तो हो गया हमारा कार्बोनाइल। ओके, नाउ अब यदि मैं इसके साथ में दोनों एक तरफ R और दूसरी तरफ H लगा दूंगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ एल्काइल या एरोमेटिक लगा दूंगा तो यहां ये कीटोन बन जाएगा। एक दूसरी तरफ R, दूसरी तरफ O एंड एक तरफ OH बल लगा दूंगा तो ये एसिड बन जाएगा, कार्ब, जिसको अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और एक अपन ऐसे लगाएंगे R C डबल बॉन्ड के साथ में O एंड O R, ओके, तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा। ओके, दीज फ्रेंड्स आर द मेनली कार्बोनाइल कंपाउंड। हालांकि इसके अलावा एमाइड भी होता है, एनहाइड्राइड भी होता है। हम पहला हमारा है इसमें रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे याद रखना बहुत कम सिंपल। क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड का? कार्बोनाइल कंपाउंड रिडक्शन करने पे अल्कोहल बनाते हैं। बहुत सिंपल चीज है, ये दिमाग में बिठा लेना। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड का हम ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, दैट इज मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हमें रिडक्शन करवाना है तो हमें निकिल या प्लेटिनम दोनों में से कोई सा एक लेना पड़ेगा और एथेनॉल बनता है। ओके, यदि यहाँ पे ध्यान देना, हम दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो रेस्पेक्टिव एल्कोहल, मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, कौन? एल्डिहाइड। ओके, फिर आता है कीटोन की बात करते हैं। ये कीटोन है जिसका एग्जांपल ये है एसीटोन। ओके, एसीटोन है, एसीटोन का वही सेम रिएक्शन है यही वाली निकल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। यहाँ पे इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन है। तो हमारा जो ये एल्कोहल बना, 2 डिग्री एल्कोहल बना। पहले एल्डिहाइड में हमारा क्या बना था? 1 डिग्री एल्कोहल बना था, क्लियर? नाउ अब उसके बाद में हमारे सामने कौन सा आ रहा है देखिएगा, दैट इज एसिड, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से नहीं कर सकते, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? मेटल हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड का जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम ईथर की प्रेजेंस रखते हैं, तो ईथर हो गया और एसिड के साथ में प्रेजेंस होगी तो इजी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिएगा बेंजोइक एसिड से हमारे सामने क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी एल्कोहल। ओके, अगेन यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीप इन माइंड, क्लियर? फिर उसके बाद में हमारे सामने हमारा एस्टर, एस्टर की बात कर रहे हैं हम। एस्टर का वही सेम चीज है, इसका रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो रहा है। इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल एसीटेट, ये नाम हो गया इसका, मिथाइल एसीटेट। ओके, और सिंपल सी चीज देखिएगा, इस ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये एच लेके मेथेनॉल बना दिया, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे एथेनॉल बन गया, क्लियर? यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ले लेते तो दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे एथेनॉल बन जाता, क्लियर है? एक तो हो गया ये मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन क्या है? वही सेम एस्टर है, वही सेम एस्टर है, सेम, लेकिन
यहाँ पे एस्टर हमने दूसरा लिया है, कौन सा लिया है, दैट इज इथाइल एसीटेट, मीन दो कार्बन इधर और दो कार्बन इधर। यदि हम एस्टर का रिडक्शन करें किसकी प्रेजेंस में, कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में, तो मॉलिकुलर हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं, बट प्रेशर और टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, दैट इज 425 केल्विन एंड 350 एटमोस्फेयर। तो यहाँ पे मजे की बात यह है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों, दो कार्बन इधर है दो कार्बन इधर है, तो इस तरह से दोनों एथेनॉल बनते हैं, ये भी एथेनॉल है और ये भी एथेनॉल है, क्लियर। तो कहने का मतलब यदि हम दोनों तरफ एक जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन लेंगे तो हमारा यहाँ पे एक ही एल्कोहल बनेगा, क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रिडक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन विद सोडियम एंड एथेनॉल। सोडियम एंड एथेनॉल हम एग्जांपल ले रहे हैं एस्टर का, ओके एस्टर भी ये कौन सा है, इथाइल एसीटेट, फाइन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोडियम एंड एथेनॉल रिएक्शन करते हैं दोनों और क्या बनाता है, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड ONA एंड नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं क्या, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हिंदी में बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन, दैट नेसेंट हाइड्रोजन यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग पावर, कैसे रिड्यूसिंग पावर, ओके तो ये इसका रिडक्शन कर देगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, इस ग्रुप का दोनों का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमें एथेनॉल मिल रहा है, मींस अल्कोहल मिल रहा है, क्लियर है, ये भी एथेनॉल है ये भी एथेनॉल। फ्रेंड्स ये देखना एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, सोडियम एंड एथेनॉल रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, दैट नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस दीज थ्री कैटेगरीज, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, किसमें, दैट फ्रॉम टू अल्कोहल, कौन करेगा, सोडियम एंड एथेनॉल। दिस रिएक्शन नोन एज फ्रेंड्स बूबो ब्लांक रिडक्शन, बूबो ब्लांक रिडक्शन। फ्रेंड्स ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, व्हेन एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड विद sodium and ethanol, then the respective alcohol is formed and that reduction known as Bubo-Blanc reduction. ये रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है और थ्योरेटिकल एग्जाम में इसको लिखाया जाता है सब्जेक्टिव के फॉर्म में, क्लियर है फ्रेंड्स। ये है नाउ फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड की ही बात कर रहे हैं अपन, लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड में अब नेक्स्ट आता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपन रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स, आर एल्काइल ग्रुप था, मैग्नीशियम है, एक्स इज द हैलोजन, ओके। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मैं कई बार बोलता हूं रिच सोर्स ऑफ कार्ब एनायन, ओके कार्ब एनायन जैसे कि नेगेटिव चार्ज, मींस यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कार्बोनाइल ग्रुप पोलर नेचर का होता है, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे ये एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा इस तरफ, नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो कौन सा अटैक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ओके न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और आर इस कार्बन पे जुड़ गया, एमजीएक्स इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया, एमजीएक्स ऑक्सीजन पे जुड़ गया, आर कार्बन पे जुड़ गया, ये हमारा बन गया एडिशन प्रोडक्ट, ओके नाउ फिर हम क्या करते हैं, इस एडिशन प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करते हैं, जनरली या तो वाटर लेते हैं अपन, या डाइल्यूट HCl लेते हैं अपन, या डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं,
या एक्वस अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। फ्रेंड्स इन सभी का, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये MgX इस फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहां पे हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है अल्कोहल। क्लियर? नाउ ध्यान देगा ये हमारा OH ग्रुप आ गया। अब डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है हमारे पास कि हमने यहाँ पे R और R क्या लिया है। फ्रेंड्स मैंने छोटा सा आपको याद करने के तरीके से बनाया है, देखो ये R और R इस तरह से है। यदि मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं तो दोनों जगह मुझे HH लगाना पड़ेगा, HH लगाना पड़ेगा, और यदि मैं दोनों यहाँ पे HH लगा दूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज प्रोडक्ट इज 1 डिग्री एल्कोहल, मींस प्राइमरी एल्कोहल। सिमिलरली मैं बात करता हूं एसिटाल्डिहाइड की, तो एक जगह CH3 और एक जगह H, तो CH3H मतलब इस कार्बन पे दो हेलो कार्बन चेन है, इसका मतलब क्या होगा 2 डिग्री एल्कोहल, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। क्लियर? यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की जगह दूसरा एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड लेंगे वो सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। क्लियर? फिर आता है कीटोन। कीटोन आप कोई सा भी ले सकते हैं, मींस दोनों जगह एल्काइल ग्रुप लगेगा, दोनों जगह एल्काइल ग्रुप लगेगा, इसका मतलब जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तीनों एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल बना। क्लियर? तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको कौन सा एल्कोहल बनाना है वो आप बना सकते हैं। फाइन, यहीं पे एक छोटी सी रिएक्शन और है, यहां पे समझना। यदि मैं आर एम जी एक्स की रिएक्शन इथाइलीन ऑक्साइड के साथ करा देता हूं CH2 के फॉर्म में, तो क्या होगा, इसके CH2OMgX और दूसरी तरफ R जुड़ जाएगा। ओके, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो R CH2 एंड OH प्लस MgX और NOH। फ्रेंड्स देखिएगा इसका नाम हमने क्या लिखा, इथाइलीन ऑक्साइड। क्लियर? फ्रेंड्स बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम यहाँ पे दो कार्बन इथाइलीन ले रहे हैं तो यहाँ पे दो कार्बन इंक्रीज कर देते हैं किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। क्लियर है? तो टू कार्बन हमें, यदि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका आर में जितने कार्बन है उससे दो कार्बन और एक्स्ट्रा एल्कोहल वाला बनाना है, और अगेन दैट मस्ट बी प्राइमरी एल्कोहल, तो हमें इथाइलीन ऑक्साइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा और हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये है आपका कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, किसका, हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात कर रहे हैं और एस्टर की बात अपन थोड़ी देर बाद में करते हैं। ओके, ये है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही बात कर रहे हैं लेकिन अब अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एस्टर। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें R की जगह हमने मिथाइल ले लिया और X की जगह हमने ब्रोमाइड ले लिया। क्लियर है? वही सेम रिएक्शन होगी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले किया था, इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा पार्शियल, इसे पार्शियल पॉजिटिव, मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ओके, तो ये मिथाइल इधर आ गया ये वाला और इथॉक्सी ग्रुप इधर है और यहाँ पे OMgR आ गया। ये तो पहली स्टेप होगी एडिशन। ओके, पहली स्टेप, और दूसरी स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, लाइसिस होता है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट और ये मैग्नीशियम इथॉक्सी ग्रुप लेके बाहर निकल जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन बोल रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करेंगे, मीन्स या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, या तो हम एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, और जैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन बनता है इमीडिएटली क्या होता है, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल CH3MgBr
वापस अटैक कर देता है और ये MgBr आ गया और ये CH3 आ गया, अटैच होके वापस एडिशन प्रोडक्ट बना देता है, वापस एडिशन प्रोडक्ट बना गया। और जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट बना, इसका नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस होगा, जैसा अपन ने बात कही थी हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करवा देते हैं अपन, तो यहाँ पे हमारा एल्कोहल बन गया। फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास यहाँ आर क्या लिया है, यहाँ पे आर क्या लिया है मैंने, अब आर को बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि मैं यहाँ पे आर लूंगा तो यहाँ पे यदि एच लिया तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मतलब ये वाला एच लिया मतलब फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव का, तो मैं फॉर्मेट बोलूंगा। जब भी इथाइल फॉर्मेट लेंगे या फॉर्मिक एसिड का एस्टर लेंगे तो कौन सा यहाँ पे एच रहेगा, मतलब दो एल्काइल ग्रुप तो लगेंगे ही लगेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 2° एल्कोहल बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। यदि आपने यहाँ पे एल्काइल ले लिया, एल्काइल का मतलब एच नहीं लगाया हमने, एल्काइल लगा दिया, चाहे वो CH3 लगा दिया आपने या और कुछ लगा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे 100% कार्बन होगा, क्यों अपन एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो 100% कार्बन होगा, इसका मतलब तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 100% यहाँ पे 3° एल्कोहल बनेगा। क्लियर, ये है आपका फ्रेंड्स इथाइल फॉर्मेट और इथाइल एल्केनॉइड की बात कर रहे हैं। एल्केनॉइड मतलब आर ग्रुप, यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है अपन उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर, मीन दूसरा वर्ड कह सकते हैं अपन यहाँ पे हायर देन इथाइल फॉर्मेट। ओके ये हो गया इसका आपका गिलगनियाट रिएजेंट, किसके साथ रिएक्शन था एस्टर के साथ में। फ्रेंड्स यहीं पे मैं एस्टर के अलावा एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, मींस एनहाइड्राइड डेरिवेटिव और एसिड क्लोराइड की रिएक्शन भी सेम ही तरीके से होगी और सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन आएगी किसकी, एसिड क्लोराइड की और एनहाइड्राइड डेरिवेटिव की। लेकिन यहाँ पे एमाइड डेरिवेटिव में एमिनो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एडिशन प्रोडक्ट ही बनता है, वो अल्कोहल नहीं बनाता। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड गिव्स सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज पर एस्टर, बट एमाइड्स डज नॉट गिव एज ए प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ओके ये है फ्रेंड्स किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स लास्ट रिएक्शन है कौन सी, एलिफेटिक एमीन से क्या बनाना हमें एल्कोहल, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये है हमारी प्राइमरी एमीन। ओके प्राइमरी एमीन है, एलिफेटिक कार्बन चेन है, बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमें इमीडिएटली बनाना पड़ता है, जो किससे बनता है, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, कौन सा वाला कंसंट्रेट। ओके बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो क्या होता है ये हमें यहाँ पे 1° अल्कोहल मिलता है, हमेशा 1° अल्कोहल मिलेगा और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स कैसे देखिएगा समझना, मैं एग्जांपल लिया है, इसको बोलेंगे अपन दो कार्बन के साथ में एमिनो, तो हम इसको क्या बोलेंगे इथाइल एमीन। ओके ये हमारा इथाइल एमीन है। नाइट्रस एसिड ये है, नाइट्रस एसिड को मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है समझने के लिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है फ्रेंड, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकल गया, नाइट्रोजन ये बाहर निकल गया, OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। ओके तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होती है देखिएगा, ये बना और ये हमारा OH इसके साथ जुड़ते, ये हमारे पास एथेनॉल बन गया, नाइट्रोजन बाहर निकल गया और एच वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया इस तरह से। फ्रेंड्स एथेनॉल का मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अगेन 1° अल्कोहल, मींस हमें प्राइमरी
एमीन की रिएक्शन करवानी है, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी एमीन का मतलब यहाँ पे इस तरह से, इस नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन होना जरूरी है, ओके, तभी ही ये प्राइमरी एमीन होगा। ये है फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने ओवरव्यू पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपने ओवरव्यू और पिछले वीडियो के मैकेनिज्म नहीं से पढ़ी है तो आप प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया, थोड़ा सा आपका लाइक बनता है और कमेंट बनता है, शेयर कीजिएगा यदि शेयर नहीं किया है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को इनेबल करते हुए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।